हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, मैं यहाँ पे जो स्टोरी लाइन हूँ वो रिया और नैना की है, जिसका स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नैना के साथ क्या हुआ और अब आगे रिया के साथ क्या होने वाला है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों से इस स्टोरी में डिस्कस करूँगी। सो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लास्ट ये हुआ था कि रिया अपनी दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है और ये चीज़ नैना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो उसको काफ़ी खूबसूरत से तैयार होकर उसको वीडियो कॉल करती है और वो अटेंड नहीं होने पे नैना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सारा अपना हालो बेहाल कर लेती है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर लेती है, रूम की चीज़ें बिखेर देती है, तोड़ फोड़ करती है। फिर जब रिया उसको कॉल करती है तो रिया इसकी जब ये हालत देखती है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो फ़ौरन से वापस आ जाती है। खैर, जैसे ही वो वापस आती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसको देख के कि ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये तुमने खुद किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये वो, मतलब वो इस तरह से रिया काफ़ी ज़्यादा नैना पे गुस्सा हो रही होती है और वो टैकल करने की भी कोशिश कर रही होती है अपनी फ्रेंड्स को। वो भी उससे नाराज़ होती हैं कि वो चली गई है, तो वो बताती है कि इस फ्रेंड की वजह से हो गए। अब नैना को समझ नहीं आ रही होती कि अगर वो कहती है कि ये सब मैंने किया है तो रिया को काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा कि यार नैना ऐसा कैसा कर सकती हो तुम। लाइक उसको लगेगा कि ये इसका साइकोलॉजिकली कुछ इशू हो रहा है, भाई ये तो पागल हो रही है या कुछ भी, क्योंकि बहुत ऐसी है फजूल हरकतें करने लग रही है। और अगर वो कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया, तब भी उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिया को कि अगर ये तुमने नहीं किया तो किसने किया। खैर, फिर वो किसी तरह उसको बताती है कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कि वो आया था, तो वो रिया चौंक जाती है, कहती क्या मतलब वो आया था, ये गर्ल्स हॉस्टल है, वो कैसे आ सकता है। ये वो कहती है कि वो खुद को उसने कवर किया हुआ था गाउन वगैरह में और उस यहाँ हॉस्टल के अंदर आके उसने मुझे कॉल की कि मैं आया हुआ हूँ, लड़की बन के वो आया था और चुपके से वो अंदर आ गया था रूम में, आके उसने मेरे साथ जो है ना वापस मतलब मुझे वापस चाहता है वो। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने मुझे छोड़ दिया था, ये वो। तो ये कहती है हाँ तो ये अच्छी बात है ना, लेकिन फिर ये सब कुछ तोड़ फोड़ ये सब उसने क्यों किया। तो मैं कहती पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही यार, वो पागल हो गया है, पता नहीं उसको क्या है। उसने आया, उसने मतलब मुझसे बहुत अच्छे से मिला, फिर उसने मेरा मेकअप कराया खुद और फिर खुद ही सारा मुझे मेरा मेकअप सारा ख़राब कर दिया, मेरी चीज़ें यूँ तोड़ फोड़ दी और ये सारा कुछ। तो कहती कि एक सेकंड नैना, तुमने ये मेरा ड्रेस पहना हुआ है, तुमने मेरा ड्रेस क्यों पहना। वो कहती उसने वो आया, उसने फ़ौरन से ये अलमारी खोली थी और उसको यही अच्छा लग रहा था, उसे नहीं पता था कि कौन सा कबर्ड मेरा है या तुम्हारा है। उसने बस खोला, ड्रेस निकाला, मुझे बोला ये चेंज करो और मुझे खुद ही तैयार करने लगे। मतलब वो सारा का सारा ब्लेम उस बंदे पे डाल देती है। तो कहती है तुमने शोर क्यों मचाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं फिर। तो जिस पे नैना उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कॉल्स की थी, तुमने कॉल्स अटेंड नहीं की। वो कहती है जब तुम कॉल कर रही थी उसके एग्जैक्ट 5 मिनट बाद मैंने तुम्हें कॉल की, तब तुम्हारी ये सिचुएशन थी। तो उसको फिर नैना सारा कुछ बताती है, मतलब सारा झूठ बोल देती है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ था और वो आया और उसने सारा कुछ तोड़ फोड़ किया, वो चाहता था मैं उसके पास वापस हो जाऊँ और मैंने उसके एक्सेप्ट उसको अगेन एक्सेप्ट नहीं किया, शायद इसलिए उसने सब कुछ किया, वो मुझे थ्रेट करके गया है कि तुम मेरी हो ही हो और वो उसने मुझे मिलने का के लिए भी बुलाया है। खैर, ये उसको कहती है तुम परेशान ना हो, उस मैं वार्डन से बात करूँगी कि हॉस्टल में इतना बड़ा सीन हो गया है, वो कैसे कर सकती हैं ऐसे किसी को अंदर आने दे सकती हैं। तो रिया उसको बोल के बाहर जाने लगती है कि मैं अभी जाके कंप्लेन करती हूँ। इसमें नैना उसे कहती है नहीं यार रहने दो ना, तुम छोड़ो, जो होना था हो गया, बस नेक्स्ट तुम मुझसे दूर ना हुआ करो, तुम इतनी इतनी देर चले जाती हो, मैं अकेले डर लगता है मुझे, इसी वजह से मैं मना करी थी तुम्हें कि तुम मत जाओ यहाँ से। खैर, फिर रिया उसको जो है ना चुप कराती है, उसको हक शक करती है कि कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, हम जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाया करेंगे, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तो खैर, नैना भी खुश हो जाती है। फिर वो उसे पूछती है कि तुमने कुछ खाया, तो नैना कहती नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर रिया जाती है उसके लिए खाना वगैरह लेके आती है, उसको खिलाती है और उसको
कहती है कि चलो तुम परेशान ना हो, मैं ये सोच रही थी हम कुछ दिन ना बाहर कहीं घूमने फिरने चले जाएं, या फिर ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, वहाँ पे कुछ दिन रह आते हैं, मेरी मॉम की भी तबीयत नहीं ठीक थी, तुम्हारी वजह से पहले मैं वहाँ रह भी नहीं सकी। तो नैना कहती है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। फिर उसको कहती है चलो ठीक है तुम ऐसा करो तुम अपने घर चली जाओ और मैं कुछ दिन अपने घर चली जाती हूँ। जब ये चीज़ नैना सुनती है कि यार ये तो अपने घर जाने का बोल रही है और मैं अपने घर कैसे रहूँगी, और वो भी इसके बगैर, इससे मिले बगैर, तो कहती नहीं यार मैं नहीं जा रही, मेरा ना दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। तो रिया एकदम से चौंक जाती है, क्या मतलब नैना दिल नहीं लगता? तो नैना कहती हाँ तो और क्या, हर टाइम मैं तुम्हारे साथ होते हूँ यहाँ पे, और तुम मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती हो, वहाँ पे कौन मेरा ख्याल रखेगा, और कोई होगा भी नहीं, और मेरा घर पे दिल नहीं लगता। खैर प्रिया उसको कहती है कि मेरा जाना भी तो ज़रूरी है, तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ चल लो, ठीक है हम लोग चलते हैं, तुम मेरे साथ वहाँ रह लेना, 2-3 दिन की बात है, हम रह के वापस आ जाएंगे। जिस पे फिर मजबूरन नैना को मानना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं मानती तो रिया ने तो जाना ही था, फिर इसको यहाँ पे अकेले हॉस्टल में रहना पड़ता या जैसे भी था। तो खैर वो मान जाती है, वो कहती चलो ठीक है हम ना चलते हैं। तो वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग रिया जाती है वार्डन के पास और उसको ना अपना सारा मतलब एप्लीकेशन वगैरह लिख के देती है कि हम दोनों जा रहे हैं मेरे घर कुछ दिन रहने के लिए, तो हम 2-3 दिन में आ जाएंगे। वो अभी जा ही रहे होते हैं, निकले ही होते हैं कि हॉस्टल से बाहर ना एक गाड़ी खड़ी होती है, और उस गाड़ी में नैना का एक्स बैठा होता है, बॉयफ्रेंड। तो वो ऑटो में बैठती ही है कि वो गाड़ी से वो निकल आता है, वो इनको देख लेता है। तो यहाँ पर जो है ना वो नैना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर वो रिया इससे बात करती है, और रिया को तो इस पर बहुत गुस्सा आया हुआ है, अगर ये उससे बात करती है तो उसको पता चल जाएगा कि ये नहीं आया था, मैंने इससे सारा झूठ बोला है। तो नैना उसको देख के ना बहुत एकदम से घबराने लग जाती है, रिया रिया ऐसे बोल रही, ऑटो वाले को बोलती प्लीज़ प्लीज़ भैया जल्दी चलाएं यहाँ से, जल्दी करें, तो ऐसे ना शोर करने लग जाती है, पैनिक हो जाती है। तो रिया उसको कहती काम डाउन क्या हो गया है यार। तो रिया भी खैर उसको देख लेती है, वो कहती रिक्शे वाले को भैया ज़रा ऑटो रुकें, तो वो नैना को देखती है कि यार ये तो ऑटो रुकवा रही है। तो फिर नैना उसको कहती है कि नहीं चलो यहाँ से जल्दी करो। तो रिया उसको बोलती है 1 सेकेंड, अब वो यहाँ पे दोबारा हो आया हुआ है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे उससे बात करने दो। तो ये सब बोल रही होती है तो नैना उसको पकड़ के गले लगा लेती है और रोने लग जाती है। वो बेचारा उधर से, हालांकि मतलब उसने तो कुछ भी नहीं किया हुआ था, वो तो उल्टा वहाँ पे आके उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रिया और नैना उस टाइम उससे बात नहीं करती, वहाँ से चली जाती हैं। वो उनको फॉलो भी करता है लेकिन वो उन तक नहीं पहुँच सकता। खैर वो दोनों चली जाती हैं वहाँ से, नैना लेके जा रिया लेके जाती है नैना को अपने घर पे। वहाँ पे वो ना बहुत प्यारा सा एक छोटा सा ना विलेज होता है, गांव होता है, ठीक है जैसे, तो वहाँ पे ये लोग जाते हैं, और जो रिया होती है वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होती है, जैसे गांव के बड़े होते हैं, फ्यूडरल सिस्टम, फेडरल फ्यूडरल जो होते हैं फ्यूडल, और वो मतलब ज़मींदार जो होते हैं वहाँ के बड़े, वो थी उन उस फैमिली से बिलोंग करती थी। खैर रिया जाती है वहाँ पे, नैना को मिलवाती है सबसे, रिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग होती है नैना की नस्बत, तो नैना इसका घर देखती रह जाती है, इतना खूबसूरत घर बना हुआ होता है, मतलब गाड़ियाँ, नौकर, मतलब सारा इतनी चहल पहल होती है वहाँ पे। तो नैना को वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है कि नैना देखी ऐसे हसरत भरी हुई गाँव से, तो उसको रिया को बोलती है यार काश मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, यहाँ कितना प्यारा माहौल है, कितना मतलब कितना सुकून है, यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इतनी शांति है इधर। जिस पे उसको फिर वो रिया कहती है हाँ तो कोई मसला नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकते हो यहाँ पे जितना दिल करे तुम्हारा, हमें कोई इशू नहीं है, बस क्लास का मसला होता है इसलिए फिर रुक जाना पड़ता है, और आजकल वैसे भी तुम्हें पता तो है कि मॉम की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो खैर वो जाती है, तो रिया जो होती है ना वो नैना के लिए अपने रूम में मतलब उसको रखना चाह रही होती है, ठीक है कि मेरे रूम में रह जाए, वहाँ लगेज रखवाती है, लेकिन
जो नैना की मॉम होती है ना रिया की, वो रिया को कहती है कि तुम कुछ दिन मेरे पास मेरे रूम में स्टे करो, तो रिया मान जाती है और नैना फिर रिया के रूम में रह रही होती है। लेकिन नैना का दिल वहाँ नहीं लग रहा होता, जब वो सुनती है ना कि रिया उधर मॉम के साथ सोएगी तो नैना परेशान हो जाती है। पहली रात तो बिल्कुल सोती ही नहीं है, बस वो इंतज़ार करती रहती है कि शायद रिया आ जाए, उसको नींद ही नहीं आती रिया के बगैर। और रिया की भी मजबूरी थी, वो तो अपने मॉम के पास सो रही थी, रिया को तो ऐसा कोई सीन था ही नहीं, वो इस चीज़ को फील ही नहीं कर रही थी। तो नैना खैर वो पूरी रात जागती रहती है, सुबह उठती है तो उसकी आंखें खुली नहीं रही होती, आंखें सूजी हुई होती हैं और सर काफ़ी दर्द हो रहा होता है, उसका रंग पीला दर्द हुआ होता है। तो रिया देख के उसको परेशान हो जाती है कि नैना ये तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम सो नहीं सकी सारी रात? तो नैना कहती नहीं यार तुम्हें पता तो है मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। ये कहती क्या क्यों? तो वो कहती मेरा मतलब जगह चेंज की हुई है, एक जगह चेंज होने से भी नींद नहीं आती, और दूसरा अकेले तुम्हें पता है इतना बड़ा घर है और इतना बड़ा रूम था, मुझे यहाँ अकेले रहने में डर लगता है, मैं इसलिए नहीं सो सकी। जिस पे रिया कहती हो यार आई एम सो सॉरी मैं तुम्हारे पास आ भी नहीं सकी क्योंकि मॉम के पास ही थकी हुई थी, लेटी वहीं मुझे नींद आ गई थी, तो ऐसा करूँगी मैं तुम्हारे रूम में ना अपनी कज़न का बोलती है कि मैं उसको बोलूँगी वो तुम्हारे साथ ना तुम्हारे रूम में सो जाएगी। पहले तो नैना कहती नहीं कोई बात नहीं तुम खुद सोना चाहो इजी हो तो तुम आ जाना वरना मुझे नहीं ज़रूरत किसी और की। तो ये कहती नहीं नहीं इसमें तुम परेशान ना हो मैं मैनेज कर लूँगी, तुम्हें डर लगता है ना अकेले सोने से इसलिए मैं कह रही हूँ। खैर उस रात रिया अपनी कज़न को वहाँ भेज देती है क्योंकि रिया की जॉइंट फैमिली होती है अपने रूम में सोने के लिए, और उसकी जो कज़न होती है वो रिया से जो है ना वो छोटी होती है। तो नैना को पहले तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है कि यार किसी और को साथ रूम में सुलाना, मतलब वो सो रही होती है उसको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होता है, वो लड़की वहाँ पे बेड पे लेटती है वो सो जाती है। रिया ना मिड नाइट में उठ जाती है, उसकी ना आँख खुल जाती है तो ना वो लैम्प ऑन करती है, लाइट ऑन करके वो ना उस लड़की की तरफ ना देखती रहती है। जाहिर बात है रिया इतनी खूबसूरत थी और दूसरा ये इसकी कज़न थी, ये भी काफ़ी प्यारी थी लेकिन इनसे छोटी थी वो, तो वो उसको देखती रहती है देखती रहती है। वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है सोते हुए, उसके मुंह पे ऐसे बाल आए होते हैं, उसके बाल पीछे करती है अपने हाथ से और उसके बालों में ऐसे हाथ फेर रही होती है, और मतलब वो पता नहीं उसके माइंड में एक उस टाइम क्या चल रहा होता है कि उसको वो बंदी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। देखते देखते ना उस बच्ची के ना वो लड़की के फोरहेड पे ना किस कर देती है, तो किस तो कर देती है और उसकी तरफ मज़ीद अट्रैक्ट हो रही होती है, उसके माथे पे हाथ फेरना, उसके चीक्स पे हाथ फेरना और ऐसे ही उसकी तरफ देख के स्माइल्स पास किए जा रही होती है। तो और फिर यही कुछ मतलब इमेजिन करने लग जाती है और एकदम ना उसको ना वो ना किस करने लगती है, उसके फेस के करीब अपना फेस लेकर जा ही रही होती है कि उस लड़की की ना आँख खुल जाती है, तो वही एकदम से डर जाती है। तो वो कहती क्या कर रही हैं आप? और नैना भी घबरा जाती है कि यार वो शिट ये तो जाएगी। तो नैना उसको कहती कुछ नहीं मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारे फेस पे ना मच्छर बैठा हुआ था, मैं बस उसको हटाने की कोशिश कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है। तो कहती उसको काफ़ी ऑकवर्ड से फील होता है, तो उसके कहती सोई क्यों नहीं अब अभी तक? कहती बस मैं सो ही रही थी और मैंने देखा तो मैं बस वही उसको भगाने की कोशिश कर रही थी। खैर वो दूसरी साइड पे लड़की मुंह करके उसको गुड नाइट बोल के सो जाती है, तो सो रही होती है। फिर जो नैना है अब जाहिर बात है इसको थोड़ा बहुत फील हो रहा होता है उस लड़की की तरफ भी अट्रैक्शन सी, कि उल्टी सोई हुई होती है तो उसको उसको बैक साइड से देखकर मतलब ये इमेजिन कर रही होती है उसकी मतलब दूसरी साइड से उसके ऑपोजिट साइड से उसको देख रही होती है, और इसके मतलब मन में इसके ना फीलिंग्स सी हो रही होती हैं, जाग रही होती हैं, एक न्यू चीज़ को वो एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रही होती लेकिन जो कुछ था वो फील कर रही होती है। तो ना वो ना उस लड़की के वो के ना बाजू पे यूँ हाथ फेर रही होती है आराम आराम से उंगलियाँ, तो वो उसे इसे ये समझती है वो सो गई है जबकि वो जाग रही होती है, तो वो इस तरह से हाथ फेर रही होती है, पीछे मुड़ के उसको फिर वो नैना की तरफ कहती कहती क्या कर रही हैं आप, आपको नींद नहीं आई तो मुझे तो सोने दें,
प्लीज़ मेहरबानी होगी। जिस पे फिर उसको नैना बोलती कि नहीं नहीं प्लीज़ आप सो जाओ, आई एम सॉरी, मुझे बस डर लगता है, रिया मेरे पास नहीं है ना, तो वो होती तो फिर और सही रहता सब अच्छा था, मैं मुझे नींद नहीं आ रही डर से। तो कहती मैं हूँ तो सही आपके पास, सो तो रही हूँ, तो आप सो जाएं काइंडली, उल्टा मुझे डिस्टर्ब किए जा रही हैं। खैर बेचारी नैना अब सोने की कोशिश में लग जाती है कि यार इससे पहले कि ये बंदी शोर मचा दे, कोई हंगामा खड़ा कर दे, इससे बेहतर है कि मैं सो ही जाऊँ। तो वो कहती ठीक है, गुड नाइट, में सो जाती है। सुबह अभी नैना सो ही रही होती है कि उसकी कज़न वहाँ से उठती है रिया के रूम से, और रिया के पास चल जाती है, उसको कहती है कि ये बंदी कैसी है। तो कहती क्या मतलब कैसी है, अच्छी तो है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है। कहती हाँ होगी अच्छी, लेकिन ये बहुत अजीब है। तो दी इसने मेरे साथ बहुत अजीब हरकत की। तो कहती क्या मतलब बहुत अजीब हरकत की। कहती रात ऐसा हुआ कि बिल्कुल मेरे फेस के करीब इसका फेस आया हुआ था, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी, फिर मैं जब सो रही तो मेरे बाजू पे ऐसे हाथ फेर रही थी, मेरी टांगों पे टांगे रख के वो टांग पाँव से यूँ मसल रही थी, पता नहीं उसको यही लग रहा था मैं सो रही हूँ जबकि मैं जाग रही थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। कहा आप नेक्स्ट ना अपने रूम में उसके साथ खुद ही सोया करें, मुझे नहीं पता तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, ऐवे मुझे टेंशन देते रहते हो। तो रिया कहती तुम पागल हो क्या, मतलब क्या चल रहा है, वो लड़का थोड़ी है, लड़की ही है, उसको डर लग रहा होगा, उसको नींद नहीं आ रही होगी, या उसको कोई इशू होगा। तो कहती खुद जाके उससे पूछ लें, नेक्स्ट टाइम मुझे मत कहिएगा उसके रूम में रहने के लिए। खैर वो वहाँ से गुस्सा होकर चल जाती है। रिया बेचारी अब परेशान कि यार अभी 2 दिन ही तो हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और नैना पता नहीं कैसी हरकतें कर रही है। खैर वो जाती है नैना के पास बड़े गुस्से में, तो नैना सो रही होती है और सोते सोते ऐसे बच्चों की तरह इतनी प्यारी लग रही होती है। खैर नैना रिया को उस टाइम गुस्सा आया हुआ था, वो कहती नैना नैना उठो, वो उठा देती है, कहती क्या है यार रिया सोने दो ना, तो कहती उठो तुम, क्या किया तुमने मेरी कज़न सिस्टर के साथ। कहती क्या मतलब क्या किया, नैना उठ के बैठ जाती है, कहती उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि तुम रात इस तरह। वो कहती यार मैंने उसको बोला था, अगर वो जब फेस क्रीम लेके गई तो उसके फेस पे कुछ चल रहा था, वो मच्छर था या क्या था, मैं बस वही देख रही थी, और उसके अलावा मैंने रात को उसको कुछ भी नहीं किया, मैं तो खुद नींद में थी, और नींद में तो तुझे पता है मैं कितने हाथ पैर चलाती हूँ। तो कहती वो कह रही थी, वो जाग रही थी। तो नैना कहती नहीं मैं सो रही थी, ऐसा कुछ सीन नहीं था। वो कहती बस यार तुम लोग अजीब हो, मुझे नहीं यहाँ रहना, मुझे घर जाना है, चलो तुम अभी इसी वक्त। रिया कहती यार मेरी मोम की तबीयत ठीक नहीं है, ये कोई मजाक थोड़ी है कि हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं और अब तुम्हारे कहने पे हम यहाँ से निकल लें। तो रिया उसका कहती तो तुम अच्छा खैर छोड़ो, उठो तुम फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें गाँव घुमा के आती हूँ। कहती मुझे कुछ नहीं घूमना, मुझे बस जाना है यहाँ से। फिर रिया उसको बड़े प्यार से टैकल करती है कि यार प्लीज़ मेरी टेंशन मत बढ़ाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो, तुम्हें पता है मेरी मजबूरी है यहाँ रहना, और जब मैं यहाँ रह रही हूँ नेक्स्ट तुम्हारे साथ मैं ही सो जाया करूँगी, बस यहाँ तुम्हारे रूम में और कोई भी नहीं सोएगा, या तुम हमारे मैं जब मॉम के पास सोऊंगी तो हम दोनों इकट्ठे वहाँ जाके सो जाएंगे। तो रिया कहती नाना कहती नहीं मुझे वहाँ नहीं सोना। तो रिया कहती कहाँ सोना चाहती हो फिर, तो मुझे बताओ क्या चाहती हो, क्या करूँ मैं। नैना उसको कहती है बस कुछ नहीं, तुम चलो यहाँ से। ये कहती है अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आ सकती, तुम्हें बहुत शौक है ना यहाँ से जाने का, तो मैं कहती हूँ तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप करके आता है। तो फिर यहाँ पे नैना बेचारी घबरा जाती है, जाहिर बात है वो क्या करती है, और वो कहती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस मैं यहीं रहूँगी, अब मैंने फैसला कर लिया, अब हम जब भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। खैर ये सब के बाद फिर नैना फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके रिया और नैना बाहर जाते हैं, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से रिया मिलवाती है नैना को, लेकिन मतलब नैना को कोई बंदी नहीं भा रही होती, तो जैसे वो लड़कियां मतलब झूले ले रही होती हैं, इधर उधर घूम रही होती हैं, खेल रही होती हैं, तो वो जैसे कोई भी बंदी इसके साथ रिया के साथ टच होती तो नैना को बहुत अजीब सा गुस्सा आता, तो उसको दूर कर देती है वहाँ से। मतलब अब वो लड़कियाँ भी इसको फील कर रही थी, तो रिया की एक फ्रेंड ने भी उसको बोला यार ये तुम्हारी फ्रेंड हम मतलब हम क्या इसे अच्छे नहीं लगे, क्या मसला है, ये ज़्यादा बात नहीं कर रही और तुम्हें हमारे पास बैठने भी नहीं दे रही है, तुम्हें लाश पे जब उस टाइम वहाँ पे तुम्हें उसने हक किया तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम, कहती ऐसा कुछ नहीं है यार। तो उधर से फिर नैना उसको बोलती है रिया को कि तुम्हारी फ्रेंड्स को लगता है मैं पसंद नहीं आई, वो मुझे ऐसे ऑकवर्ड वे में देख रही थी ये वो। तो
रिया को गुस्सा आ जाता है, रिया उल्टा अपने दोस्तों पे गुस्सा होने लग जाती है कि तुम लोग नैना के साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी दोस्त है ये वो, कैसी दोस्ती हो तुम, मतलब उस तरह से भी नैना जो है ना वो रिया को उन दोस्तों से थोड़ा सा अलग कर लेती है। खैर फिर अपनी तरफ से नैना बहुत पॉजिटिवली बिहेव कर रही होती है और फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम लोग मत लड़ो, सब ठीक हो जाएगा ये वो, मतलब उसको फिर उनको डिफेंड भी करने लग जाती है। खैर उस तरह से वो घूम फिर के वो वापस आते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना रिया की मॉम का चेकअप होता है, तो वो लोग जा रहे होते हैं चेकअप के लिए, तो नैना को छोड़ जाते हैं कि तुम यहीं ठहर जाओ, हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे। तो नैना वहाँ रुक जाती है। जाहिर बात है जॉइंट फैमिली में तो इतना इशू नहीं होता अगर कोई एक दो लोग चले भी जाते हैं तो, लेकिन नैना अपनी तरफ से कोशिश करती है कि रिया ना जाए, लेकिन रिया ने तो जाना ही होता है, उसकी तो मजबूरी होती है, उसकी तो मॉम का चेकअप था। खैर वो चले जाते हैं। फिर रिया उसका नैना का पूरा घर घूमती है और घूमते घूमते ना नैना रिया की उसी कज़न के रूम में पहुंच जाती है जो उसके पास पहले सोने के लिए आई थी एक रात को। तो वो बंदी जो है ना अभी नहा के बाहर ही आई होती है और मतलब अभी वो फ्रेश हो अपना ड्रेसअप वगैरह होने कर रही होती है, तो वो एकदम से नैना को देख के घबरा जाती है कि तुम यहाँ, और फ़ौरन से जो है ना खुद पे ना वो कपड़ा डाल लेती है फुल वाला कवर कर लेती है। तो नैना उसको कहती कोई बात नहीं क्यों घबरा रही हो, मैं बस वैसे ही कोई था नहीं तो मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं घर ही देख लूँ। तो कहती तो तुम्हें इतनी सेंस नहीं है कि तुम नॉक करके आ जाओ अंदर, कहती हाँ बस मैं अभी करने ही लगी थी लेकिन दरवाज़ा खुला था तो मैं आ गई, तुम एनी प्रॉब्लम। खैर वह कहती नहीं कोई इशू नहीं है बैठो मैं बस अभी रेडी होके आती हूँ। तो वहाँ पर फिर नैना उसको कहती कोई बात नहीं तुम ऐसे भी अच्छी लग रही हो और कितना रेडी होगी, कहती क्या मतलब तुम्हें नज़र आ रहा है कि मैंने अभी तक ड्रेसअप नहीं हुई, मैं अभी तक मुझे होना है अभी टाइम लगेगा, तो तुम ऐसा करो तुम नीचे लाउंज में जाओ मैं आ रही हूँ। तो नैना वहीं बैठ जाती कहती नहीं मैं तो लाउंज में नहीं जा रही, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ फिर इकट्ठे चलते हैं। तो उसको बहुत अजीब सा लग रही होती है नैना कि नैना ने अभी कोई उसको और अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी वो नहीं हो रहा अभी तक, वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सेप्ट कर पा रही। लेकिन नैना को जो है ना रिया और रिया की वो जो कज़न है ना ये दो बंदियाँ उसको अच्छी लग रही हैं। तो फिर नैना उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ, तो कहती नहीं मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है मैं खुद रेडी हो सकती हूँ। और रिया दी जो है ना उनकी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी पूछ रही थी तुम्हारा फ़ोन किधर है, नैना कहती ओ नो, कहती मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं है मैंने वहाँ रूम में रखा था मैं भूल गई हूँ। तो फिर वो उसको कहती तो जाओ लो और रिया दी को कॉल करो, वो कहती हाँ ठीक है मैं उससे बात कर लूँगी, तो तुम क्या मुझे रूम से निकालना चाह रही हो अपने। जिस पे वो लड़की कहती है कि अब जो तुम्हें सही समझो, क्या नैना कहती है हाँ ठीक है लेकिन मैं यहीं बैठी हूँ मैं तो नहीं जा रही। खैर वो बेचारी मजबूर होकर चले जाती है वॉशरूम में, वहाँ से ड्रेसअप होके आती है तो नैना उसको बड़ी अजीब नज़रों से देख रही होती है और देखते ही देखते उठ के उसके करीब जाने लग जाती है। वो बेचारी घबरा रही होती है कि इसको क्या हो गया, इस तरह से नज़रों से देख रही है कि पलके तक नहीं चिपका रही वो। और फिर वो उस लड़की के करीब जाके उसको ना पीछे से हग कर लेती है, तो कहती क्या कर रही हो नैना छोड़ो मुझे ये क्या तरीका है। तो वो उसको हग करके ना अपनी आंखें ना बंद कर लेती है, उसके बालों में से उसकी खुशबू लेने लग जाती है और मतलब फीलिंग्स लेने लग जाती है। तो वो बेचारी परेशान हुई खड़ी होती है कि छोड़ो मुझे नैना प्लीज़ क्या कर रही हो छोड़ो मुझे, तो कहती कुछ नहीं कर रही बस वैसे ही रिया को मिस कर रही थी, रिया नहीं थी इसलिए तुम्हें हग कर लिया, तुम्हें कोई मसला है। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है पर बहुत अजीब लग रहा है तुम्हारा हग करना। तो कहती इसमें अजीब वाली क्या बात है मैं लड़का थोड़ी हूँ जिससे तुम घबरा रही हो, तो कहती देर दिखाऊँ तुम्हारे हेयर ब्रश कर दूँ। फिर नैना उस लड़के के हेयर ब्रश करने लग जाती है और ऐसे अजीब सी निगाहों से उसको देख रही होती है। अब वो बेचारी फील तो वो हर चीज़ वो कर रही होती है, उसको समझ भी सब आ रहा होता है लेकिन वो बेचारी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी तक तो नैना को भी कुछ समझ नहीं आया होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। खैर लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही होती है उस लड़की के करीब जाने की।
फिर वो कहती है कि बस ठीक है, हो गया मेरा हेयर ब्रश, थैंक यू, अब आप ऐसा करो, आप जाओ मैं आ रही हूँ। तो नैना उसको एकदम से ना दीवार के साथ लगा लेती है, और दीवार के साथ लगा के उसके हाथों में ऐसे अपना हाथ डाल लेती है, और ना उसके हाथों में हाथ डाल के उसकी ना फोरहेड पे किस करती है, और किस करके उसकी ना हग कर लेती है बहुत ज़ोर से, और उसके बालों की महक, उसके जिस्म की खुशबू को मतलब वो महसूस कर रही होती है, और एकदम से जो है ना घूम जाती है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके चीक्स पे किस करती है, और एकदम से उसको हग करके ऐसे गुम हुई खड़ी होती है कि अब देखते हैं पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्या ये इस समझ पाएगी नैना, क्या ये इसके साथ मतलब रिया की तरफ से अटैच है, लेकिन क्या ये इस रिया की जो ये कज़न सिस्टर है क्या ये इसके साथ है, ये सब जो कर रही है, ये सब करने के बाद क्या नैना को समझ आ पाएगा कि असल में अब वो बन के आ चुकी है, या नैना के लिए अब मज़ीद कोई मुश्किल खड़ी होने वाली है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगी कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब पॉइंट तो आ चुका है कि जिस पे जो है ना बहुत करीब है वो, जहाँ पे नैना को अब समझ आ जाएगी कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अब आगे क्या होगा। सो गाइस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खाली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।